अगर कोई लड़की आपसे नजरें मिलाती है या फिर आप किसी लड़की से नजरें मिलाते हो, उस सिचुएशन में फ्रेंड आपको ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिसके बाद ना ही कोई आपसे गड़बड़ी हो सके और जितना हो सके उतना जल्दी वो आपसे इम्प्रेस भी हो जाए। ये सारी बातें फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखोगे। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैनल है जिसमें फ्रेंड हम मैं बात करने वाला हूं पॉइंट नंबर 1 की, जो कि बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रेंड पहले तो फ्रेंड आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आप किसी लड़की से नजरें मिला रहे हैं, अगर आप किसी लड़की से आई कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड कि एक से डेढ़ घंटे का आई कांटेक्ट होगा। जाहिर सी बात है 3 से 4 सेकंड का आई कांटेक्ट होगा। अगर आप फ्रेंड उस नजरें मिलाने में अगर आप ये गलती करते हो कि बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हो, बहुत ही ज्यादा डर जाते हो, तो इससे फ्रेंड आपका काम खराब हो सकता है। अब वो कैसे? क्योंकि देखो फ्रेंड, हम डरते कब है, घबराते कब है, जब हम किसी को गलत नीयत से देख रहे होते हैं, जब हम किसी को गलत बात सोच रहे अपने माइंड में और हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले को पता ना चल जाए किसके लिए हमारे दिल में बैड थिंकिंग है या फिर हम गलत नजर से उसको देख रहे थे, इसके चलते घबरा जाते हैं ना। मगर फ्रेंड ये बात उस लड़की को तो नहीं पता ना यार। अगर आप उस टाइम पे अगर घबरा जाते हो, डर जाते हो, तो आपका काम खराब हो जाएगा। लड़की को ये बात जज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कि लड़का फट्टू है, लड़का डरपोक है, यार क्या देखूं इसे मैं, ये तो देखते ही मेरे बस घबरा गया, इससे क्या सेटिंग करूंगी, छोड़ हटा इसको, जाने दे यार, इससे भी बेटर चॉइस मैं डिजर्व करती हूँ। फ्रेंड इसके चलते आपका काम खराब हो सकता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि अगर आप किसी लड़की से नजरें मिला रहे हैं तो सबसे पहला काम घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ज्यादा ही डर लगता है, ज्यादा ही घबरा रहे हो, तो भाई क्यों से इंप्रेस करने के पीछे पड़े हो, सोचो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फ्रेंड। तो इसीलिए फ्रेंड कभी भी लड़की से नजर मिलाते समय घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आपको डर लग रहा है तो फ्रेंड हो सके तो मन में एक अच्छी अच्छी थिंकिंग लाओ, मन में एक अच्छी अच्छी बातें लाओ कि मैं नॉर्मली इसे देख ही तो रहा हूँ यार, नॉर्मली इससे आई कॉन्टेक्ट तो कर रहा हूँ। और फ्रेंड एक बात का ध्यान रखे, जब भी आप उस लड़की को देख रहे हैं तो आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, प्यार भरी स्माइल हो मगर होनी चाहिए। इससे ये होगा कि आपका इंप्रेशन उस पर अच्छा पड़ेगा, लड़की को एक पॉजिटिव वे में इस बात को लेगी कि हाँ लड़का एक अच्छी नीयत से मुझे देख रहा है। और इस तरीके से फ्रेंड आपका जो काम है आगे चलने लग जाएगा, लड़की को ये बात पसंद भी आएगी कि लड़का बिना डरे मुझे देख रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके गली में खड़े होकर, उसके मोहल्ले में खड़े होकर आप उसे ताड़ रहे हो, नहीं भाई, आपको भी एक साई वाली टाइप की नजरें मिलानी है। ठीक है, तो मैंने पहला पॉइंट इतना एक्सप्लेन करके इसलिए समझाया भाई, क्योंकि इसमें जितनी फायदा है उतने ही नुकसान भी है, इसलिए मैंने आपको एक एक पॉइंट बारीकी तरीके से समझाया। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। ठीक है, बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 2 की। दूसरे पॉइंट में फ्रेंड हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी एंड एक्सप्रेशन। जी हाँ, इस दोनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो भाई, जब कोई लड़की आपको देख रही हो, देखकर स्माइल कर रही हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप बुत बने खड़े रहोगे, क्योंकि फ्रेंड अगर आप ऐसा करते हो तो लड़की ये जज करेगी भाई इस लड़के को क्या हो गया, ये लड़का बेहोश हो गया क्या, इस लड़के को हुआ क्या, इसको तो मैंने देखा और देखते ही लड़का घबरा गया, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहा यार, ना ये स्माइल कर रहा है ना ये मुझे समझा रहा है। इस तरीके से लड़की को ये लगेगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, समझ गए। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी चाहिए कि जब कोई लड़की आपको देखे तो भाई आप भी देखना, ठीक है, अगर कोई लड़की आपको दिखकर मुस्कुराए तो आप भी दिखकर मुस्कुराओ। मगर मेरे दोस्त, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने फेस का रिएक्शन बनाएं। ये नहीं कि लड़की अगर आपको देख रही है, देख के स्माइल कर रही है, और उसको बात चार, 3-4 लड़के हैं, 3-4 लड़के आपको देख रहे हैं और तो भी आप उसको बिना डरे देखे जा रहे हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे इसमें आपकी इंसल्ट भी हो सकती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां का आभाव कुछ ठीक नहीं है, वहां का कुछ माहौल ठीक नहीं है, तो फ्रेंड वहां से आप कट लीजिए, क्योंकि इस हालत में फ्रेंड आपकी कुछ हो भी सकती है जो नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि लड़की के सामने रिएक्शन करो, रिएक्ट करो भाई, लड़की को ऐसा लगना चाहिए कि आप भी उसमें इंटरेस्टेड हो। अगर लड़की आपको बिना डरे देख रही है, माहौल भी ठीक है, सब कुछ बराबर है, और वो आपको देख रही है और देखकर स्माइल कर रही है, तो आप भी करो, ये नहीं कि आप शर्मा के निकल जाओगे वहां से, ठीक है। एक्टिविटी करना भी बहुत जरूरी होती है, तभी सामने वाला इंसान समझ पाता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है, समझ गए। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा भाई मेरे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड हम पॉइंट नंबर 3 की, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भाई क्योंकि अक्सर इसी केस में आप फंस जाते हो। जब कोई लड़की आपसे नजरें मिलाए ना, उस सिचुएशन में फ्रेंड आपको थोड़ा बहुत स्मार्टनेस भी दिखाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि जब किसी लड़की को देखने जाते हैं, जब किसी लड़की से नजरें मिलाते हैं, देन उसके बाद उनका साथ कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड होता है जिनके सपोर्ट पे भी वो रहते हैं। और कई बार तो ये भी होता है कि कोई लड़की अगर आपको देख रही है तो आप क्या करते हो, अपने दोस्त से भी बात कर रहे होते हो और उसको भी देख रहे होते हो। ये सिचुएशन तो ठीक है, मगर कई बार तो ये होता है कि लड़की जब आपको भाव देने लग जाती है, लाइन देने लग जाती है, तब आप डर के मारे अपने दोस्त से ही बात करने लग जाते हो, उसी से लगे
रहे हो, वो आपको देख रही है, मगर इससे आपको कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आप देखते हो कि कितना देखती है मेरे को, कितना नोटिस करती है, उसके बाद ही आप सोचते हो, जज करते हो, और उसके बाद आप वहां पर ऐसा काम कर बैठते हो। तो फ्रेंड आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए भाई, आपको थोड़ा बहुत स्मार्टनेस भी दिखाना चाहिए कि अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो दोस्त से बात करते करते उसको भी आप देख रहे हो, फिर अपने दोस्त से बात कर रहे हो फिर उसको आप देख रहे हो। 2 से 3 सेकंड का आपको फ्रेंड आई कॉन्टैक्ट तो बनाना बहुत जरूरी है यार। ये चीज इसलिए जरूरी है कि सामने वाले के दिल में आप कुछ फीलिंग डाल सको, कुछ फीलिंग ला सको कि हाँ लड़का स्मार्ट है यार, मतलब लड़का देख एक बार में दो दो काम निपटा ले रहा है, मतलब ये लड़का लाइफ में अगर आगे चल के मेरा पार्टनर बनता है तो कभी ये मुझे फंसने नहीं देगा, कभी भी ऐसा कोई क्रिएट नहीं करेगा सिचुएशन जिसमें मैं ऑकवर्ड फील कर सकती हूं। ये सब सिचुएशन फ्रेंड क्रिएट होगी, तो आप समझ रहे हो भाई, ये सब चीजें भी आपके लिए होना बहुत जरूरी है कि अगर आप डरते हो घबराते हो तो किसी को भी आप इंप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हो कि सर मैं उसको देख दूंगा और देखते ही मुझे उसने पिटाई कर दिया या कुछ बुरा भला कह दिया, तो ये भी नहीं होने वाला भाई, आप समझो मेरी बात को, क्योंकि देखने से कोई किसी की बातों का बुरा नहीं मानता अगर आपकी नीयत अच्छी है देखने का नजरिया तो। अब अगर भाई हवस से देख रहे हो तो अलग बात है। अभी आखिरी पॉइंट है फ्रेंड, इस पॉइंट को ध्यान में इसलिए रखिएगा क्योंकि कई बार सिचुएशन यहां भी आपकी खराब होती है कि अगर आप कोई लड़की आपसे नजरें मिलाती है तो आप क्या करते हो, उसके बॉडी पार्ट को निहारने लग जाते हो। एक बार नीचे जज किया, फिर एक बार बीच में जज किया, फिर उसके बाद ऊपर जाते हो। इस तरीके से भाई लड़की के ऊपर आपका एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए कभी भी कि मतलब आप उसके पूरे बॉडी पार्ट को निहार रहे हो, उसके बैक को निहार रहे हो, उसके फ्रंट को निहार रहे हो, नहीं। इससे क्या होता है, आपका एक चीप कैरेक्टर उसे दिखता है, उसको ऐसा लगता है कि लड़का एकदम चीप है यार, इसको मतलब देख इसका नजर कहां जा रहा है, ये देख बात कहां कर रहा है, देख कहां रहा है ये। तो भाई इसमें बताओ आपका कहां से लाभ है, कहां से आपका फायदा है। तो आप ये चीज भी समझिएगा मेरे दोस्त कि अगर आप लड़की से बात करते हो या फिर लड़की को आप देखते हो, आपकी भाषा में कहो ताड़ते हो, हालांकि ताड़ना तो नहीं चाहिए, देखना ही चाहिए, तो अगर आप देखते हो तो बिंदास देखो और आई कांटेक्ट करने की कोशिश करो, और अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो उसके आईब्रो की तरफ देखो, ठीक है, उसके माथा की तरफ देखो कि उस लड़की को ऐसा लगे कि हाँ ये लड़का नजरे ही मिला रहा है, ये मेरे बॉडी पार्ट को नहीं निहार रहा है। आपने कई बार देखा भी होगा फ्रेंड कि जब कोई लड़का उसके पीछे चलता है तो लड़की रफ्तार क्यों बढ़ा लेती है कि लड़का मुझे गलत नियत से देख रहा है। कई बार तो आपने ये भी देखा होगा कि लड़की जब चलती रहती है तो लड़के के मन ही मतलब लड़के के लिए मन ही मन में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते हुए चलती है कि यार ये ऐसा लड़का है वैसा लड़का है फलाना ढिकाना, तो इससे तो आपका इंप्रेशन खराब है ना। तो मैंने सारी बातें एक्सप्लेन कर समझाई आपको, और इस सिचुएशन में आपको कौन कौन से काम करने चाहिए नहीं करने चाहिए ये भी समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो यस करके कमेंट करिएगा भाई, और क्या, हाँ अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प नहीं हुई है और आप चाहते हो कि भाई एक्सप्लेन करके बनना चाहिए वीडियो तो कर दीजिएगा भाई इंस्टाग्राम पर कमेंट। देखो ये बहुत दिनों बाद कुछ नया इंटरेस्टिंग कमेंट आया था मेरे पे तो मैंने वीडियो बनाया, अगर आपका भी कमेंट इंटरेस्टिंग रहा तो बन जाएगा भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक कर, यूजर नेम है कैलाश104, ये मेरा इंस्टाग्राम है, फॉलो कर दीजिएगा भाई। इस वीडियो पे एक लाइक करना क्योंकि आपका 1 लाख का मैं बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, मगर आप फिर भी नहीं करते गलत बात, लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करो, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त यार के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।